अंतिम चरण के चुनाव में सपा ने झोंकी ताकत। अखिलेश आज गाजीपुर चंदौली में करेंगे जनसभा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 27 मई सोमवार को गाजीपुर व चंदौली में सपा व INDIA के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा कर जनता से वोट मांगेंगे। अखिलेश की पहली जनसभा दोपहर 12:40 बजे गाजीपुर में न्यू स्टेडियम ग्राउंड RTI में सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के समर्थन में होगी। इसके बाद दूसरी जनसभा दोपहर 2 बजे चंदौली में पॉलिटेक्निक ग्राउंड में सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के समर्थन में होगी। सपा अध्यक्ष दोनों प्रत्याशियों को जिताने की जनता से अपील करेंगे। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में हो रहे चुनाव के तहत अब तक 6 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 7वें चरण की 13 सीटों के लिए मतदान 1 जून को होगा। इस अंतिम चरण की लड़ाई के लिए सपा ने अपने संगठन को झोंक दिया है। सपा ने अब फ्रंटल संगठनों के साथ ही सभी प्रमुख नेताओं को इन सीटों पर लगा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को कांग्रेस के साथ समन्वय कर प्रचार में जुटने के लिए कहा। अंतिम चरण में जिन 13 सीटों पर मतदान होना है उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलीमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर व रावर्ट्सगंज शामिल है। इनमें 9 सीटों पर सपा व 4 सीटों पर महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव व वाराणसी में कांग्रेस लड़ रही है। इन 13 सीटों में 2014 व 2019 के चुनाव में एक भी सीट सपा व कांग्रेस के पास नहीं थी। इस बार विपक्षी गठबंधन सपा व कांग्रेस पूर्वांचल की इन सीटों में से कुछ सीटों में सेंधमारी की कोशिशों में जुटी है।